हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो करीब 900 साल बाद लग रहा है, और इसको लेकर बहुत सारी डरावनी बातें सोशल मीडिया और देश का फ्रंट लाइन मीडिया पर भी चल रही है। वो सारी बातें, आपका सारा डर इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि सूर्य ग्रहण के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। 21 जून को आषाढ़ अमावस्या पर लगने वाला कंकणाकृति खंड ग्रह सूर्य ग्रहण 900 साल बाद लग रहा है। यह ग्रहण रविवार यानी आज के दिन ही लग रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि ग्रहण भी कहा जा रहा है। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण भी लग चुका है। एक ही महीने में दो ग्रहण लगने की स्थिति भी सही नहीं है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार एक ही माह में दो ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही महामारी लेकर आते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार अमावस्या पर यह ग्रहण लगने के कारण अमावस्या का श्राद्ध क्रम ग्रहण के बाद होगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी 21 जून 2020 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और करीब दोपहर 3:04 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण का मध्य 12:10 के आसपास रहेगा, जिसमें सूर्य एक वल्य यानी फायर रिंग या जिसको चूड़ामणि के रूप में भी कह सकते हैं उस रूप में नजर आएगा। 21 जून यानी आज को पड़ने वाले ग्रहण का सूतक काल 10 PM से शुरू हो चुका है। हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग सूतक काल मानते हैं। इस दौरान पूजा घर और मंदिरों के पट बंद रहते हैं। लोग ग्रहण सूत काल से पहले ही अपने देवी देवताओं की पूजा करके उनके पट या गेट बंद कर देते हैं। इसके बाद ग्रहण सूत काल समाप्त होने पर लोग फिर मंदिर और पूजा घरों को खोलते हैं, मूर्तियों में गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र करते हैं और विधिवत पूजा पाठ पहले की तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सूत काल क्या है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार किसी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले का समय सूतकाल कहलाता है। मान्यता है कि इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सूतकाल समाप्त होने के बाद ही मंदिर खुलते हैं और लोग पूजा अनुष्ठान करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कितने लंबे समय तक यह ग्रहण रहेगा। 6 घंटे लंबा होगा ग्रहण काल। 21 जून को यानी आज सुबह 10 बजे यह सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 पे पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पे सूर्य ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी यह ग्रहण करीब 6 घंटे लंबा होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी बातों की हमें ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इस ग्रहण को नंगी आंख से न देखे। नासा के अनुसार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सोलर फिल्टर ग्लास वाले चश्मे का इस्तेमाल करें। ये बात एकदम फैक्ट है। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि घर के बने जुगाड़ वाले चश्मे या किसी लेंस से सूर्य ग्रहण न देखे, इससे आपकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। ग्रहण के वक्त आकाश की ओर देखने से पहले सोलर फिल्टर चश्मा जरूर लगाए और नज़र नीचे करने के बाद या ग्रहण समाप्त होने के बाद ही इसे हटाए। एक अमेरिकी संस्था के अनुसार ग्रहण के वक्त कार अन्य वाहन ना चलाए, लेकिन यदि कोई ग्रहण के वक्त रास्ते में ही है तो वह अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर और अन्य वाहनों से कुछ दूरी बनाकर ये वाहन चलाए। ड्राइविंग में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत है। बच्चों को यदि सूर्य ग्रहण दिखाने का प्लान बना रहे हैं तो उनकी आंखों को बचाने वाले सोलर फिल्टर चश्मे की व्यवस्था जरूर कर ले। आपको इन सभी सावधानियों का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हमारी विजिबिलिटी पे जरूर असर पड़ सकता है।